दिन बात कर रहे थे आभा मंडल की सफाई। जैसे हमने बोला कि हमने आज आपको अटूनमेंट देना है, आज आपको अटूनमेंट क्लास है, ठीक है। तो जब भी आप अभी जैसे आज आप अटूनमेंट लेंगे, तो सबसे पहले अपने सभी ने अपना आभा मंडल को साफ करना है। जब भी आपने किसी और को भी अटूनमेंट देना है, तब भी सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग मतलब आभा मंडल की सफाई है। जब भी आपने किसी को हीलिंग देनी है, तब से पहले आपने आभा मंडल की सफाई करनी है। जब भी आपने अपने आप को हीलिंग करनी है, तब भी आपको अपनी आभा मंडल की सफाई करनी है। आभा मंडल करने का मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो तरीके पे बात करेंगे। पहला जो एक प्रॉपर तरीका है, कप एंड कॉम्बिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था दोनों हाथों को ऐसे करना है। और चौकोरे, आज हम चौकोरे सिंबल सीखेंगे। चौकोरे बनाएंगे सबसे पहले अपने क्राउन चक्र पे, और फिर पहले कपिंग करेंगे, बाद में कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। एक ये प्रोसेस है। दूसरा, जैसे हम लोग प्रेयर के टाइम पे करते हैं कि सभी लोग अपना ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएं, ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की ऊर्जा आप सभी के पास आ रही है, और आपके क्राउन चक्र से वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। ये दो तरीके जो सिंपल हैं, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। कप एंड कॉम्बिंग का प्रोसेस मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने अपने ऊपर एक सिंबल बनाएंगे, सिंबल नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं चौकोरे। पहले मैं आपको वो भी बता देती हूँ, सिंबल नंबर 1। ये होता है हमारा चौकोरे। अब इसको हमने कैसे बनाना है, पहले हमने बनाना है 7, 7 बनाया, और फिर इसके बाद हमने इसके आगे 1 सर्कल, 2 सर्कल, एंड दिस इज 3 हाफ करके, ठीक है। 1 पहले आपने बनाया ऐसे, 1 7, 7 बनाया, और फिर ये 1 2, और ये उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो हमारा हाफ है, ठीक है। चाहे आप 2.5 सर्कल बनाए, चाहे 3.5 बनाए, चाहे 4.5 बनाए, लेकिन 1 सर्कल आपका हाफ बनेगा और बाकी आपके पूरे बने, ठीक है। आप इसको एक बार अपने हाथों से बनाने की कोशिश करें विजुलाइजेशन में। आप चाहे तो इसको सभी फिंगर से बनाएं, अगर आप सारे फिंगर से नहीं बनाना चाहते तो आप 2 फिंगर का इस्तेमाल करें, या फिर सारे फिंगर का इस्तेमाल करें, 1 फिंगर से नहीं बने, ठीक है। अब मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे कि सारी फिंगर्स आ गई मेरी, 7 1 2, और ये हमारा जो बाकी 3 वाला जो सिंबल है ये हमारा हाफ है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सिंबल है चौकोरे। चौकोरे सिंबल जो है ये एक पावर सिंबल है, ये हमारे को एक फिंगर से कोई भी सिंबल नहीं बनाते, एक फिंगर से ऐसे ही नहीं बनाते, बस 2 ही फिंगर यूज करते हैं, एक फिंगर से कभी कोई भी सिंबल नहीं बनाते, ठीक है। ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो वैसे व्हाइट या फिर गोल्डन होता है, इसके अंदर तो ऐसे बना रखा है कलरफुल, लेकिन व्हाइट या फिर गोल्डन ये इसका कलर होता है। जब हमने नेगेटिविटी को बाहर निकालना होता है, तब भी हम यही सिंबल को विजुलाइज करते हैं कि चौकोरे और सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, और जब हमने उसको शुद्ध करना है तब भी हमने इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध। ये अभी हमारा लंबा प्रोसेस चलेगा, जब हम आगे सीखेंगे लेवल जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे, तो प्रॉपर जो इसका सिस्टम है वो हम वहां पे करेंगे। अभी जो आपको काम करना है इसका, अभी आपको सिर्फ ये करना है कि जब आपने अपने कप एंड कॉम्बिंग, अगर आप कप एंड कॉम्बिंग का सिस्टम अपने लाइफ में उतारते हैं तो वो ज्यादा अच्छा, इसलिए क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मेथड है, ठीक है।
नहीं तो आप सिंपल तरीके से भी किसी को भी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सिंपल आपने उसके क्राउन चक्र के ऊपर बनाना है चौकोरे, या फिर विजुलाइज करना है कि आसमान से एक सफेद रंग की ऊंची आ रही है और वो आपके क्राउन चक्र पे एक चौकोरे बन रहा है, और पूरा एक शावर लाइट के अंदर आप बैठे हैं और पूरी आपके ऊपर बॉडी में शावर आ रहा है और सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसा विजुलाइज करें व्हाइट लाइट के साथ में। और जो इसका एक प्रोफेशनल तरीका है वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमारा जो कप एंड कॉम्बिंग है, ठीक है। ये सिंबल है हमारा चौकोरे, इट इज अ पावर सिंबल। हमेशा हमारा, हम कहीं भी, हमें कोई भी, कहीं भी हम अटक जाते हैं देन वी यूज चौकोरे। अगर आपको कोई भी सिंबल याद नहीं है, जब भी आप किसी की हीलिंग करने बैठे हैं और आपको कोई सिंबल याद नहीं है, तो आप सिंपल चौकोरे सिंबल को यूज करें। और चौकोरे सिंबल को सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं तो ही आपने यूज करनी है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग पर भी यूज कर सकते हैं, लिविंग थिंग पर भी यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि अगर आप सपोर्ट गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी एकदम से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नहीं सही से चल नहीं रही है, या कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और अभी मैकेनिक आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप वहां पर चौकोरे सिंबल बनाकर उसको थोड़ा एनर्जी दे सकते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर कि अपने हाथों से एक व्हाइट ऊर्जा को उसके अंदर भेजकर आप उस गाड़ी को भी उस समय के लिए हील कर सकते हैं। आपके कल जैसे आजकल बड़ा होता है ना, गाड़ियों के ऊपर डॉग्स बैठ गए, ये हो गया, या आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आपने सिंपल अपने ऊपर पूरा एक चौकड़ी बनाना है और प्रोटेक्ट 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 बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल चौकोरे सिंबल को आप कहीं भी यूज करते हैं। अचानक में आपको कहीं चोट लग गई और आपको सभी एकदम से पता नहीं चल रहा कि आपको क्या सिंबल को एकदम लगाना है, वहां पर क्या करना है, तो आपने वहां पर सीधा चौकोरे 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 और उसको वहां पर हाथ लगा देना है जहां भी आपको वो चोट लगी है, तो वहीं पर आपको उससे हील आपका हो जाए, ठीक है। चौकोरे सिंबल को हम पावर सिंबल बोलते हैं, ये एक पावर सिंबल होता है और ये हम सब जगह पर यूज कर सकते हैं, सब जगह पर। इसके अंदर कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, ठीक है। अभी आएंगे रूल रेगुलेशंस भी आएंगे, लेकिन आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आप सभी सिंबल्स को ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उनको कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस रूल एंड रेगुलेशन हमेशा शुरुआत में इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों का एक नियम मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए, ये है हमारा सिंबल नंबर वन चौकोरे, चाहे तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसका नाम लिख लीजिए, आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे मैम? हाँ कर लीजिए, क्या रिपीट करना है, पूरा समझाना है इसको दोबारा से या सिर्फ दिखाना है? मैम ये 3 बार पूरा होके फिर आगे थोड़ा सा गया हुआ है, राइट? तो हाँ जी, इसको 3.5 के हिसाब से मतलब कर सकते, हाँ बोल सकते, मतलब पूरा, क्योंकि एक यहाँ पे आगे, सेकंड, थर्ड पे पूरा होके देन हाफ गया। आप इसको 3.5 में भी बना सकते हैं, आप इसको 4.5 में भी बना सकते हैं, लेकिन आप जितने मर्जी आपके सर्कल हो, पर बीच में आपका एक जो होगा लास्ट में वो हाफ होगा। ओके, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। दिनेश जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस ये नहीं। कैसे बनाना है दोबारा, एक बार दोबारा बता देंगे? देखिए, एक आपने बनाया यहाँ पे सेवन सेवन बनाया, उसके बाद आपने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, वन टू एंड दिस इज थ्री, एंड ये हल्का सा निकल गया हाफ, 3.5, ठीक ठीक है ठीक है ना। अगर आपसे बाई चांस आपने फोर भी बना लिया तो उसमें कोई बात नहीं, आप फोर भी बना सकते हैं, है ठीक ठीक है ठीक है। चलिए ये